हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, पूरी वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट लगभग साइडवेज में चल रही है। ऐसे में चलते बहुत सारी ऐसी न्यूज और अपडेट्स निकल करके आ रही है जो कि हम सभी आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई है वो है साउथ कोरिया कंट्री से। जी हाँ, कोरियन फिनटेक जायंट्स प्लान्स टू क्रिएट 10K वेब 3 जॉब्स एमआईट बियर मार्केट। सिंपल सा इसका मतलब यह हुआ, आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं वीडियो में लगभग कवर करता रहता हूं कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी मार्केट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वेब 3.0, मेटावर्स, एनएफटीज मार्केट का ट्रेंड बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में चलते जो न्यूज निकल करके आई, साउथ कोरिया की एक बहुत बड़ी फिनटेक जायंट है, कंपनी है जिसका नाम है डुनामो, और ये यहां पर क्या करने जा रहे हैं, 500 न्यू स्टार्टअप्स लॉन्च करने वाले हैं जो कि एनएफटीज और मेटावर्स कैटेगरी में होने वाले हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि 10,000 ये जॉब प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग खुद सोचिए कि कितनी बड़ी कंपनी है जो 500 स्टार्टअप्स करने वाली है और इसके साथ में इतने लोगों को हायर करने वाली है, वो भी मेटावर्स और वेब 3.0 के लिए, जो कि अपने आप में जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी के यूजर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है। अब हम बात करते हैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ जो निकल करके आ रही है मल्टी क्वाइन की तरफ से। जी हां, मल्टी क्वाइन कैपिटल रेजेस 430 मिलियन फॉर न्यू क्रिप्टो स्टार्टअप फंड्स। सिंपल सा मतलब यह हुआ इसका, आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी ऐसी नई नई कंपनी लॉन्च हो रही है जो फंड्स को रेज कर रही हैं। तो जो कंपनी का नाम है वो मल्टी क्वाइन कैपिटल है और इसने $430 मिलियन का कैपिटल जो है वो यहां पर फंड रेज किया हुआ है, जो कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में बात करेंगे थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज जो निकल करके आ रही है सभी रिप्पल क्रिप्टोकरेंसी यूजर्स के लिए, क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा रिप्पल क्रिप्टोकरेंसी के अंदर कोई भी प्राइस मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी वजह इसकी यह है कि जो न्यूज निकल करके आई है, रिप्पल लैब्स के जो को फाउंडर थे, आप लोगों को याद होगा जेड मैकलेब, इनकी न्यूज ऑलरेडी आई थी, आप लोगों के साथ में भी शेयर किया था। इन्होंने क्या किया है, 40 मिलियन XRP को पिछले 7 दिनों में सेल आउट किया है। आप सोचिए कि 40 मिलियन रिप्पल क्रिप्टोकरेंसी को सोल्ड आउट किया है वो पिछले 7 दिनों में, तो कहीं ना कहीं प्राइस में इंपैक्ट देखने को मिला है और लगातार रिप्पल क्रिप्टोकरेंसी का जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। लेकिन जैसे ही जितने लोगों को बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी के साथ में रिप्पल क्रिप्टोकरेंसी सेल करना होगा, जैसे ही सभी लोग सेल कर देंगे उसके बाद में प्राइस स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और उसके बाद में जब बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी की मार्केट ऊपर जाएगी तब रिप्पल क्रिप्टोकरेंसी भी ऊपर जाएगा। उसके बाद में अगली इंपॉर्टेंट न्यूज बात करते हैं यहां पर, नाउ पेमेंट्स। जी हां, एक बहुत बड़ा पेमेंट गेटवे है और भी बहुत सारी इनके साथ में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो न्यूज निकल करके आई है कि नाउ पेमेंट्स नाउ कैन एक्सेप्ट सिबा फॉर फिएट डायरेक्टली थ्रू दिस फीचर। सिंपल सा इसका मतलब यह हुआ कि जो नाउ पेमेंट्स गेटवे है उसने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया हुआ है कि हम फिएट करेंसीज में सिबा क्रिप्टोकरेंसी को बाइंग सेलिंग में यूज करने वाले हैं। और यह कोई फेक न्यूज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नाउ पेमेंट्स का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उस पर आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं और सिब आर्मी के लिए इसने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है कि आप फिएट क्रिप्टोकरेंसीज में या कर सकते हैं, आप डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। तो मैं बार बार बोलता रहता हूं कि सिबा क्रिप्टोकरेंसी का जो क्रेज है वो मार्केट में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और इसके साथ में बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है जो अनाउंसमेंट कर रही है सिबा होल्डर्स के लिए डायरेक्ट पेमेंट मेथड के रूप में और बहुत सारी फिएट की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है। तो आने वाले टाइम में हमारे को एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। उसके बाद में बात करेंगे अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की, जो आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा डुकाटी की। जी हां, ये एक बहुत बड़ी बाइक मैन्युफैक्चरर का कंपनी है और आप लोग खुद सोचिए इसकी बाइक्स कितनी महंगी आती हैं। तो इसने क्या किया है, चूजेस रिप्पल एज ब्लॉकचेन पार्टनर टू लॉन्च एनएफटीज। पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस डुकाटी कंपनी, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, और इसने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है कि रिप्पल क्रिप्टोकरेंसी की जो ब्लॉकचेन है उसके साथ में पार्टनरशिप कर चुके हैं और एनएफटीज मार्केट के लिए ये काम करेंगे। तो आप खुद सोचिए, मैं बार-बार बोलता रहता हूं कि पूरी वर्ल्ड वाइड कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं बचेगी जो बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी के अंदर इन्वॉल्व ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी। उसके बाद में बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट न्यूज की जो निकल करके आ रही है स्विस पोस्ट बैंकिंग की तरफ से। स्विस पोस्ट बैंकिंग आर्म डेवलपिंग इन हाउस क्रिप्टो कस्टडी प्लेटफॉर्म। सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि स्विट्जरलैंड का 5th largest फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और इसने अनाउंसमेंट किया है कि आने वाले टाइम में हम बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप लोग खुद सोचिए, पहले जितना भी बैंकिंग सेक्टर था वो बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी को सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे करके बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी को समझना शुरू किया और आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी बैंक्स होने वाली हैं जो बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी को 100% सपोर्ट जरूर करेंगे। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट न्यूज और निकल करके आई है, ऑनलाइन ब्रोकर ट्रेड स्टेशन। यह एक बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी का प्लेटफॉर्म है, ट्रेड स्टेशन जिसका नाम है, इसने यहां पर लिस्टिंग किया है
मैटिक क्रिप्टो करेंसी को, लिंक क्रिप्टो करेंसी को और सिबा क्रिप्टो करेंसी को। तो जितने भी नए नए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस लॉन्च होते हैं वो लोग कहीं ना कहीं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के साथ में डॉज क्वाइन, सिबा क्वाइन, कुछ मीम क्वाइंस को भी लिस्टेड कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है जितनी भी मीम क्रिप्टो करेंसी है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया है कि मीम क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइसेस है वो डायरेक्ट लिस्टिंग होनी चाहिए, बर्निंग होनी चाहिए, न्यूज अपडेट्स आना चाहिए, इसके बाद में कम्युनिटी स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद में ही प्राइस में मूवमेंट हमारे को देखने को मिल सकता है। उसके बाद में जो आखिरी न्यूज निकल करके आ रही है वो सैमसंग ब्रांड की तरफ से। आप लोग बहुत अच्छे से नाम सुने होंगे, शायद मुझे इस कंपनी के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सैमसंग लॉन्चेज स्पेस टाइकून मेटावर्स एक्सपीरियंस। सिंपल सा मतलब इसका क्या हुआ, अगर आप लोग समझने की कोशिश कीजिए तो जो सैमसंग ब्रांड है ये मेटावर्स इंडस्ट्री में इंटर करने के लिए प्लान कर चुकी है, तो जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रीजन बीइंग कि मैं बार बार बोलता हूं कि पूरी दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं बचेगी जो बिटकॉइन, मेटावर्स, वेब 3.0, एनएफटीज मार्केट में इंटर ना करे, चाहे वो डायरेक्टली इंटर करे या फिर इनडायरेक्टली इंटर करे। लेकिन आने वाले टाइम में फ्यूचर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का होने वाला है, टेक्नोलॉजी का होने वाला है, ये 100% सही है। तो यही थी कुछ आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों के लिए। आज की सबसे अच्छी न्यूज आप सभी लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो में अगर 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।